वेलकम बैक टू जागो लाहौर। कौन कहता है कि टैलेंट की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लाहौर में तो और भी बेतहाशा टैलेंट भरा हुआ है। और आजकल हम आपकी मुलाकात उन आर्टिस्ट से करवा रहे हैं जो किसी ना किसी फील्ड में जो है काम भी कर रहे हैं, पढ़े भी हुए हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का भी सबब बनते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं, जुबेरिया नवाज, जो कि NCA में पढ़ी हैं और प्रिंट मेकिंग करती हैं, प्रिंट मेकिंग है। और जुबेरिया को पहले तो वेलकम करेंगे। कैसी हैं जुबेरिया? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो जुबेरिया ये बताएं कि प्रिंट मेकिंग बेसिकली है क्या, ताकि हमारे देखने वालों को पता लग जाए, क्योंकि मुझे भी इतनी टेक्निकलिटीज है। ऑलराइट, तो प्रिंट मेकिंग बेसिकली फाइन आर्ट्स की एक फील्ड है, जिस तरह स्कल्पचर मिनिएचर वगैरह होता है। इसमें आप टेक्सचर्स के साथ खेलते हो, लाइक हाँ आप वुड कट होता है, इसमें लाइनो कट होता है, लाइक वो लेदर की शीट होती है उस पर आप करते हो कार्विंग करके, और एक्वाटेंट होता है वो जिंक पे होता है, जिंक की प्लेट होती है उसके ऊपर आप कार्व करते हो एसिड्स। और इसमें नॉर्मली हम पेंटिंग में हम पेंट्स यूज करते हैं, राइट? इसमें हम इंक्स यूज करते हैं, इंक्स यूज करते हैं, जिस तरह से जो प्रिंटिंग प्रेस में जो इंक्स यूज होती है वो हम यूज करते हैं, जो न्यूज पेपर्स के लिए मैगजीन के लिए यूज होती है वो यूज होती है इसके अंदर। तो बेसिकली ये है। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से आप लोग करते हो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टेक्निकलिटीज के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक देखने वाले में समझ भी आया। अच्छा, जैसे जिस तरह से हमारा ये है, तो इसमें हमने ये था कि एक प्लेन ये लेदर की शीट थी, लाइनर शीट जिसे कहते हैं, नहीं अदर वे, ओके दिस वन, या ओके, तो ये एक शीट थी, उसके ऊपर जो फिर मैंने एक डिसाइड किया, बेसिकली ये पूरा है, ये मेरी एक आर्टिस्ट बुक थी, आई हैड अ थीम, मैंने उसके ऊपर ये बनाया, ठीक है, और इसको मैंने कार्व किया, टूल्स होते हैं स्पेसिफिक इसको कार्विंग करने के लिए, ठीक है, उसके थ्रू मैंने कार्व किया, फिर इसके अंदर जो आप नेगेटिव पार्ट होता है उसका व्हाइट रहता है वो, और जो बाकी स्पेस जो होती है प्लेन सरफेस होती है वो ब्लैक हो जाती है, लाइक इट्स अप टू यू, आप कोई कलर यूज कर सकते हो। हमारे आगे भी जो पड़े हैं कलर्ड, ये क्या है? वो जो फर्स्ट वाला है वो मेरे पास, मैंने थीम रखा था इसका ब्यूटी ऑफ मिजरी, लाइक जो लाइफ की मिजरी में ब्यूटी होती है, लाइक देयर इज ऑलवेज ब्यूटी इन एवरीथिंग, राइट? तो उसमें मैंने बनाया था कि मैंने जिंक प्लेट पे किया था, सो व्हाट आई डिड कि मैंने एक जिंक प्लेट ली थी, उसके ऊपर मैंने वो टॉप कोट्स वगैरह होते हैं वो किया, फिर उसको एच किया मैंने, और उसको एसिड में आप डालते हो, उसमें एच होता है आप ड्रॉ करने के बाद होते हैं, और फिर आप उसके अंदर इंक स्क्वीजी से लगाते हो और फिर प्रिंट निकालते हो। अच्छा, हर एक को मोटिवेशन चाहिए होती है, कुछ थीम्स चाहिए होते हैं, कहाँ से आइडियाज आते हैं, किस तरह से? डिपेंड्स कि आप, मुझे मोस्टली होता है कि मेरे सराउंडिंग से आता है, या फिर अगर मैं फ्री बैठी हूँ तो मोस्टली मैं बुक रीडिंग, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, या यू कैन से दैट, हां, क्योंकि नॉर्मली आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होना जरूरी है इस चीज़, तो आप लाइक एक सुकून से एक जगह बैठ जाते हो, आप चीजें नोटिस करते हो, तो थोड़ा सा डीप जाते हो, फिर आपको रियलाइज होता है अच्छा ठीक है, ये चीज इस तरह से भी हो सकती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना एक नॉर्मल से वो जो क्लिशे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होने लग जाता है, फिर आप चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको चीजें देखनी पड़ती है और फिर सारा कुछ होता है। अच्छा, इसका कितना आपको लगता है, हम जब बात कर रहे हैं प्रिंट मेकिंग की, तो कितना स्कोप भी है, कितना इसका डिमांड भी है, क्या लग रहा है नियर फ्यूचर में? सब तो ये कहते हैं कि भाई फाइन आर्ट्स का तो कोई स्कोप नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली स्कोप उस चीज का है, ऑनेस्टली इस चीज का स्कोप है जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, जाहिर है। अगर आपका एक वो जो मेन स्ट्रीम काम चले जा रहा है वो करते रह रहे हो, तो फिर तो वो तो उसमें कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्टेप अहेड करके कुछ नई चीज लेके आ रहे हो, उसमें होता है कि अच्छा चलो ठीक है यार, ये डिफरेंट चीज है, टाइम लगता है लेकिन एक्सेप्टेंस आ जाती है, ऐसा होता है, ऐसा है। और आपको अपने ऊपर सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना समटाइम्स लोग मिडवे जो है ना छोड़ देते हैं कि यार बस ठीक है नहीं कर रहा मैं, कुछ फायदा नहीं है। मगर आप खुद पे अगर कॉन्फिडेंस हो, आप करते जाओ ना वो चीज, तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलता है। अच्छा जुबेरिया, हम कहते हैं कि आर्टिस्ट का पेट्रियोटिक होना भी बड़ा जरूरी है, आप हैं थोड़ी बहुत? हाँ ऑब्वियसली, यू आर। तो क्या प्लानिंग्स हैं 14th ऑफ अगस्त की? ग्रीन कपड़े पहन के झंडा लहरा, ठीक हो गया। जुबेरिया ने बहुत ही मतलब सेंटी होकर जवाब दिया, ठीक है जनाब। जुबेरिया से हम उनकी जो प्रिंट मेकिंग है उसके हवाले से बिजी डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन अभी जरा हम 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से भी रुख करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ जाते हैं। कौन है जी? सभी रसन है हमारे साथ, सभी आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप ये बताएं कि आपने झंडे वंडे खरीद लिए? सबसे पहले तो मुझे दुख हुआ कि आप कौन है हमारे साथ, तो सभी लसन के साथ जो साथ आपके साथ रहता है, और आपके जो बीपर्स हैं वो दे रहे होते हैं हम जगह जगह से, और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको गा कर रहे होते हैं। आज 14 अगस्त पे हमने बात करने का एक अजम किया है कि जी हम बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से, तो 14 अगस्त की तैयारियाँ जी मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, और 14 अगस्त मनाने के लिए लोगों ने झंडे झंडे तैयार कर लिए हैं। आपने सवाल किया मेरे से, तो मेरी तैयारी अभी कुछ रहती है, आज जाने के बाद जो है घर जाने के, जब यहाँ से फारिग होकर घर जाएंगे तब सोचा जा रहा है कि जी झंडे झंडे खरीदें और जाके अपने घर को भी सजाएं थोड़ा बहुत, क्योंकि पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान सबसे पहले है।
तो यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं उनके लिए भी यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी पाकिस्तान सबसे पहले तमाम तर काम काज छोड़कर आ रहा, कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन कुछ घंटे पहले ही तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। तैयारियां अब तो बल्कि मुकम्मल होने चल वाली है। पीछे आप रश देख सकते हैं दुकानों पर, मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है, चीजें खरीद जा रही हैं। ये बैंगल्स है, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं ये खरीद रही हैं। इसके साथ साथ ग्लासेस हैं, ये खरीद जा रहे हैं। बैंडानाज हैं जो के पहने जाते हैं फोर हेड के ऊपर, और ये अभी सजाए जाते हैं। इसके साथ कैप है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। वॉच बनाई गई है पाकिस्तान जिंदाबाद की, और पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान इसके ऊपर लिखा हुआ है। लोग तमाम तर मौजूद है। आप अजम देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो तमाम तर पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं यहाँ पर जो शॉपिंग कर रही हैं, जो चीज़ें ले रही हैं अपने बच्चों के साथ। ये आप देख सकते हैं कि फेस पेंटिंग की हुई है बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। रश हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर कैमरा मैन से कोई गलती शलती हो जाए तो उसकी भी गुंजाइश रखिएगा। अर्मिन आपने सभी हमने बिल्कुल गुंजाइश रखी है, अगर आपको रश में जाना पड़े और वहाँ आप लोगों से बात करनी पड़े तो हम आपको इतना मार्जिन जरूर देंगे, क्योंकि हमें आइडिया है कि रिपोर्टिंग में बड़ा मुश्किल काम है आपको लोगों से बात करना और उन्हें कन्विंस करना बात करने के लिए। तो कोशिश करें कोई दुकानदार से बात हो जाए। जी अर्मिला कोशिश कर रहे हैं हम बात हो जाए, असल में ग्राहक ज्यादा है इधर, तो इस वक्त दुकानदार भी कोशिश करेंगे ग्राहकों को निपटाया जाए जल्द से जल्द। तो दुकानदार मौजूद है भाई, थोड़ी सी आगे आइएगा, ये बताएं क्या ट्रेंड देख रहे हैं, ज्यादा ट्रेंड क्या लोग जो है वो चीजें खरीद रहे हैं आपसे? ओ भाईजान ये चूड़ी हो गई, ठीक है, एयरबन हो गए, ये माथा पट्टी चलती है, बाजी है। अच्छा, कीमतों के हवाले से बताएं, लोग शिकायत तो नहीं करेंगे कीमतें ज्यादा? नहीं सर, हमारा होलसेल का काम है, ठीक है, बल्कि हम होलसेल में देते हैं कि आपके कस्टमर तंग करते हैं जी हमें एक एक सेट दे, ये 30 रुपए का मैं सेट दे रहा हूँ मेटल का, ठीक है, ये बाहर डेट ये तो 14 अगस्त की बात है। आज तो मेरे ख्याल से किसी के साथ जो है वो फिक्स प्राइस रखनी नहीं चाहिए, जो मांगता है मेरा ख्याल है जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे वतन की है, क्या समझे, हम कम से कम हमें जितने का आया उतने का भी देना पड़े तो हमें कोई बात। अर्मिला आप ये बात सुननी है, जितने का आई है चीज उतने की भी देनी पड़ेगी तो हम देने को तैयार है, क्योंकि हमारे मुल्क की बात है, पाकिस्तान की बात है। अच्छा, सभी कीमतों के हवाले से भी अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पर अक्सर खवातीन या बच्चे जो आते हैं वो शिकायत करते हैं महंगाई बड़ी ज्यादा है, और जब ऐसा कोई त्यौहार आता है ना तो दुकानदार जो है चीजों के लिए मांगी जो मुंह मांगी कीमतें हैं वो वसूल करते हैं। इस बारे में क्या आपके पास अपडेट्स हैं? देखिए अर्मिला, अभी जैसे हमारी दुकानदार से बात हुई है, बार्गेनिंग का यहाँ जो सिस्टम है वो चल रहा है, जरूर लोग थोड़ा सा परेशान भी सारी बातें होते हैं, क्योंकि दुकानदारी है, उन्होंने भी अपना दुकानदारी करके ही अपने घर का जो बच्चों का अपने घर वालों का पेट पालना है। तो थोड़ी मोटी जो कि एक समझा जाता ना कि जी 20 रुपए की चीज़ है तो वो 20 ही की है, ऐसा नहीं है, 20 की जो चीज है वो 10 की मिल जाती है या 15 की दी जाती लेकिन है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अब्दुल हसन, हमें प्रॉपरली बता रहे थे कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। अच्छा जनाब, जवेरिया हमारे सेट पे मौजूद है, जवेरिया क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है, मैं चाहूंगी कि आप अपने जैसे आर्टिस्ट जो है कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो आ चुके हैं, क्या अब आप जो लोग परेशान होते हैं जिनको डिस्करेज या मोटिवेशन की जरूरत होती है वो क्या क्या करें? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप स्ट्रगल करते रहो, और बेसिकली आप यही चीज़ है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, स्ट्रगल करते रहो, तो यू विल गेट व्हाट यू आर विशिंग फॉर, दैट्स इट। जबरदस्त, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी खबरें शामिल करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।